हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमने लिए हैं यहाँ पे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब टमाटर लिए हैं और इन्हें मैंने बीच से कट लगा लिया है। हमें इसे उबालना है। तो इसे बीच से कट लगाने से क्या है, उबलने के बाद टमाटर बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं। तब हम इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालेंगे और ढककर इसे इसी प्रकार से 15 से 20 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे तरीके से उबल गए हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और टमाटर को किसी बर्तन में निकाल देते हैं। इसे क्या है, इसे ठंडा होने के बाद इसका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, हमने सारे टमाटरों को निकाल दिया है और टमाटर भी अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इनका छिलका निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, टमाटर से छिलका बहुत ही आसानी से अलग हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम सारे टमाटरों के छिलके निकाल देंगे। ये देखिए, हमने सारे टमाटर को छील लिया है और जो टमाटर के अंदर जो गांठ होती है इसे भी हम निकाल देंगे। तो हमने सारे टमाटरों की गांठ को निकाल दिया है। तो अब हम गैस के ऊपर रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर डाल सकते हैं। अब हम इसे हल्का सा चलाते हुए भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें इसे कोई कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई। अब हम इसको भी हल्का सा चलाते हुए भून लेंगे। देखिए, हमें प्याज का भी कलर चेंज नहीं करना, हमें हल्का सा ही भूनना है। तो देखिए, हमने इसे भून लिया है। अब हमने जो टमाटर उबाल के रखा हुआ है उसे हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, टमाटर को हमने इसमें डाल दिया है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। देखिए, टमाटर हमारे पहले से ही उबले हुए हैं और लहसुन और प्याज को हमने हल्का सा भून लिया है। तो देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और टमाटर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, टमाटर हमारे ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका हमने बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, हमने इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच ओरिगैनो और 1/2 छोटा चम्मच के करीब हम बटर डालेंगे और 2 बड़े चम्मच हम टमाटो केचप डाल देंगे इसके अंदर। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे इसी प्रकार से ढककर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम एक बार इसे चेक कर लेंगे। देखिए, एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं, हमारी पिज्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे किसी बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप भी अगर इस ट्रिक से पिज्ज़ा सॉस बनाएंगे तो मार्केट की पिज्ज़ा सॉस को तो भूल ही जाएंगे, आपको ये पिज्ज़ा सॉस बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है।